बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल शेयर चिकन करी रेसिपी विथ यू ऑल। सो चिकन करी बनाने के लिए हम 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और साइड में हम 4 मीडियम साइज चॉप्ड अनियंस, 1 मीडियम साइज चॉप्ड टमाटो एंड 5 ग्रीन चिलीज ले लेंगे। ऑयल में हम थोड़े खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों के थोड़ा चटक जाने के बाद हम उसमें अनियन ऐड कर लेंगे। अनियन के हल्का गोल्डन हो जाने तक हम उसे पका लेंगे एंड देन हम उसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लेंगे एंड 1 टीस्पून गरम मसालों का ब्लेंड ऐड कर लेंगे। एंड लास्टली 1.5 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। एंड देन हम उसमें ग्रीन चिलीज एंड टोमेटोज भी ऐड कर लेंगे। एंड उसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। देन 2.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। फाइनली हम 1/2 केजी चिकन ऐड कर लेंगे। एंड देन हम ढक्कन ढाकर अराउंड 30 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे एंड देन फ्लेम को लो करके हम 5 मिनट्स तक पका लेंगे। देन हम 2 टेबल स्पून दही लेंगे और उसके लम्स ख़त्म करने के लिए हम 2-3 टेबल स्पून वाटर ऐड कर उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एंड देन हम दही को भी ऐड कर लेंगे। فبأي آلاء
देन आप फ्लेम को लो कर लीजिए और उसे 15 मिनट्स तक पकाइए। 10 मिनट्स के बाद आप चेक भी कर लीजिएगा एंड देन फिर से 5 मिनट तक आप लो फ्लेम पे पका लीजिए। एंड देन आप 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर लीजिए। एंड 1.5 कप ऑफ वाटर भी ऐड कर लीजिए। आपको जितनी करी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। एंड देन हम उसे ढक कर हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट के बाद आप फ्लेम को लो करके और 2 मिनट पका लीजिए। लास्टली आप करी को कोरिएंडर लीफ से अच्छे से गार्निश कर लीजिए। सो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।